नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इंस्टेंट हरी मिर्च फ्राई। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। बिरयानी, स्टीम राइस, परांठे के साथ आप इसे खा सकते हो और बनने में बहुत ही इजी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है 6 हरी मिर्च। मैंने यहाँ पे मीडियम तीखी वाली ली है, मतलब पता चल जाता है जो बनाते हैं या फिर मिर्चों का जिन्हें थोड़ा सा नॉलेज है, ये तीखी वाली बहुत ज़्यादा नहीं है। इसे सबसे पहले हम जो है अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद इसे हमें जो है इस तरह से स्लिट कर लेना है बीच से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है इसे हमें बीच से जो है कट कर लेना है, लेकिन अलग अलग नहीं करना है, बिल्कुल मतलब जुड़ी रहनी चाहिए ये। तो ये देखिए, पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ, परांठे के साथ, स्टीम राइस के साथ ये जो हरी मिर्चें है बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है मिर्चों को तैयार कर लिया। इसके बाद मैं कढ़ाई को गर्म कर लूँगी और इसमें डालूँगी 1 चम्मच सरसों का तेल। आप चाहो तो जो ऑयल आप यूज़ करते हो घर पे उसका यूज़ कर सकते हो। तेल को अच्छे से हम पका लेंगे और जो है इसे मीडियम कर देंगे गैस की फ्लेम को। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे जो ये हरी मिर्चें हमने स्लिट करके रखी है वो, और इसे जो है 10-15 सेकंड के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी यानी निजला सीड्स, यानी ये जो है अनियन सीड्स कह सकते हो आप इसको, और 1/4 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, ये तीखी वाली नहीं है, ये जो कलर देती है MDH का वो है, और 1/4 छोटा चम्मच कॉमन सॉल्ट यानी सफ़ेद वाला नमक, और 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, और 1/4 छोटा चम्मच हींग यानी एसाफेटिडा। और इसके बाद ऐड करूंगी यहाँ पे भुना जीरा और भुना हुआ धनिया, मतलब उसको हल्का सा भून लेंगे और उसके बाद उसका जो है पाउडर तैयार कर लेंगे, वो मैंने इसमें ऐड किया है 1 छोटा चम्मच। और इसे जो है हमें फ्राई करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक जो है ये मिर्च है कलर चेंज ना कर ले और ये जो मसाले है इसमें अच्छे से कोट ना हो जाए अंदर तक, मतलब अच्छे से जो है अब्सॉर्ब ना हो जाए तब तक। जब तक ये हरी मिर्चें फ्राई हो रही है तब तक हम जो है तैयार कर लेते हैं दही। दही मैंने यहाँ पे लिए 150 ग्राम और इसमें ऐड करेंगे नमक 1/4 छोटा चम्मच, सॉरी 1/2 छोटा चम्मच, और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। दही को अच्छे से फेंट लेना हमें और दूसरी तरफ देखिए हमारी जो ये मिर्चें हैं लगभग तैयार हो चुकी है। लेकिन इससे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 छोटा चम्मच अमचूर का पाउडर, आप चाहो तो चाट मसाला या फिर नींबू का रस ऐड कर सकते हो, और इसे जो है 10 सेकेंड के लिए अच्छे से सॉटे कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे, फ्राई कर लेंगे ताकि जो अमचूर का पाउडर है इसमें अच्छे से मिल जाए। अगर दही बहुत ज़्यादा खट्टा है आपका तो आप अमचूर पाउडर को जो है स्किप कर सकते हो। तो ये देखिए मिर्चें तैयार है, दही भी तैयार है, और अब इस इन मिर्चों को जो है हम ऐड करेंगे दही में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप जब भी पुलाव बनाओ, बिरयानी बनाओ, स्टीम राइस बनाओ, मतलब कुछ भी, या फिर परांठा हो गया, तो आप उसके साथ इसे जो है सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही डिलीशियस, चटकारेदार, धमाकेदार चीज़ है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।